गीबत, गीबत यानी किसी के पीठ पीछे ऐसी बात करना कि अगर वो उस बात को सुनता तो उसको बुरा लगता। गीबत करना गुनाह कबीरा है और शरीयत में निहायत नापसंदीदा अमल है और इसके करने का अजाब बहुत सख्त है। अल्लाह तौला का इरशाद, ए ईमान वालों, बहुत से गुमानों से बचो, बास गुमान गुनाह होते हैं, किसी की टोह में ना लगो और एक दूसरे की गीबत ना करो। क्या तुम में से कोई ये पसंद करेगा कि वह अपने मुर्दे भाई का गोश्त खाए? इससे तो खुद तुम नफरत करते हो। और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह बड़ा तौबा कबूल करने वाला बहुत मेहरबान है। इसके मुतालिक चंद हदीसें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने भाई के उस ऐब का जिक्र करे के जिस जिक्र को वह नापसंद करता हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या ख्याल है कि अगर वाकई वह मेरे भाई में हो जो मैं कहूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो ऐब उसमें है जो तुम कहते हो, तभी तो वह गीबत है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गीबत से बचो क्योंकि गीबत जिना से भी सख्त गुनाह है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी मुसलमान मर्द या औरत की गीबत करता है, अल्लाह तौला उसके 40 सब्र रोज की नमाज को कबूल नहीं करता। गीबत की सजा और अंजाम। वन हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुझे मेराज अता की गई तो उस रात मेरा गुजर एक कौम पर से हुआ जिनकी नाखून तांबे की थी और वह अपने नाखूनों से अपने चेहरे और सीने को खुरच रहे थे। तो मैंने जबरील अलैहिस्सलाम से कहा, ये कौन लोग हैं? तो उन्होंने कहा, ये वो लोग हैं जो लोगों का गोश्त खाते थे, यानी गीबत किया करते थे और उनकी इज्जत व अबरू के पीछे पड़े रहते थे। तो अबू दाऊद की हदीस में है कि अगर किसी मर्द या औरत ने अपने मुसलमान भाई की गीबत की या इब्त टोले तो अल्लाह तौला उसकी पोशीदा बातें और राज दूसरों पर जाहिर कर देंगे और वह शख्स अपने घर में भी जलील होगा और बाहर भी रुस्वा होगा। 3-1 हदीस से ये भी साबित है कि अक्सर अजाबे कब्र दो चीजों से होती हैं जो कि लोग मामूली समझते हैं, एक तो पेशाब के छींटों से ना बचने की वजह से और दूसरी गीबत करने की वजह से। 4 कुरान मजीद के सूरह हमजा में अल्लाह तौला का इरशाद है कि हर गीबत करने वाले और ताना देने वाले के लिए हलाकत है। गीबत से बचने का तरीका। 1 गीबत का बोलना और सुनना दोनों गुनाह है, लिहाजा अगर कोई गीबत कर रहा हो तो सुनने वाले को चाहिए कि उसे फौरन रोक दे या अगर ये ना हो तो वहां से उठकर चला जाए या कोई दूसरी बात शुरू कर दे। 2 किसी मजलिस में शामिल हो तो मजलिस के शुरू और आखिर में दुआ जरूर पढ़ लेनी चाहिए। 3 अपनी जबान की हिफाज करें, बिना जरूरत की कोई बात ना करें और खामोश रहे क्योंकि गीबत की शुरुआत बिला वजह की गुफ्तगू से होती है। अल्लाह हम सबको गीबत से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।